अनेरिकल थर्टीन वट लेंथ ऑफ ओपन पाइप विल प्रोड्यूसवेंसी ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड हर्ड्स एज इट्स फर्स्ट ओवरटोन ऑन अ डेव एंडीड ऑफ साउंड इज थ्री फोर्टी मीटर पर सेकेंड लेकिन एक होती है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी फिर उसके बाद होती है फर्स्ट ओवरटोन फिर सेकेंड ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीकवेंसी अगर हो ओपन पाइप के अंदर तो उसमें देखें चूंकि ओपन पाइप है लेता साइडों पर क्या होगा नोट नहीं आ सकती साइडों पर एंटी नोड होगा और चूँकि फंडामेंटल है तो पहले बस सिर्फ बीच में कोई एक्स्ट्रा लूप नहीं होगा बस यहाँ से एंटी नोड से अंदर आई नोड की तरफ फिर ऊपर बढ़ के एंटी नोड बन गया एंड के ऊपर तो जो फर्स्ट ओवरटोन होगी उसमें यहाँ पे एक लूप ऐड हो जाएगा और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ये बता रहे हैं ट्वेल्व हंड्रेड हर्ड्स है फर्स्ट ओवरटोन पे और स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने कह दिया थी फोर्टी मीटर पर सेकेंड है मालूम हमने करनी है लेंथ ऑफ द ओपन पाइप तो गिवन हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी है साउंड स्पीड ऑफ़ साउंड है लेंथ हमने मालूम करनी है सोल्यूशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले देखिए मैंने आपको चार चीज़ें काफ़ी बार समझाई हुई हैं कि टू लूप्स आर इक्वल टू अ वेव लेंथ टू लूप्स इज इक्वल टू लेमडा तो इससे ये पता लगेगा कि अभी नोड टू नोड जो कि एक लूप है वो कितना होगा लेमडा बाई टू इसी तरह एंटी नोड टू एंटी नोड ये एंटी नोड है ये एंटी नोड है एंटी नोड टू एंटी नोड भी क्या है लेमडा बाई टू नोड टू नोड भी क्या है लेमडा बाई टू और नोड टू एंटी नोड क्या होगा फिर ऑब्वियस ही चीज़ है यहाँ से देखें नोड टू एंटी नोड अगर ये लेमडा बाई टू है तो नोड टू एंटी नोड लेमटा बाय फोर होगा अब हमारे पास जो लेंथ है पाइप की इसके अंदर देखा जाए यहाँ से अगर एक वेव शुरू हो रही है तो पहले ऊपर टॉप पे गई फिर नीचे यानी एक कंप्लीट वेव लेंथ तो मौजूद है लेकिन इसको मैयर करते हैं देखें नोड टू नोड का फासला कितना है लेमडा बाय टू या एक लूप को भी ये कह सकते हैं लेमडा बाई टू है नोड टू एंटी नोड कितना है लेमडा बाय फोर ये नोड टू एंटी नोड लेमडा बाई फोर अब देखें ये पूरी एक वेव बन रही है या नहीं लेमडा बाई टू यानी आधी वेव लेंथ क्वार्टर वेव लेंथ और क्वार्टर वेव लेंथ टोटल मिल के एक लेमडा बन रहा है तो लेंथ ऑफ ओपन पाइप इज इक्वल टू लेमडा एट फर्स्ट ओवरटोन तो ये हमें पता लग गया और लेमडा हमें मालूम हो, हो, होना है और फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी ये वेव इक्वेशन का हिस्सा होता है वी इज इक्वल टू एफ लेमडा यहाँ से हम लोग लेमडा की वैल्यू निकालते हैं और फाइनली वो एल के इक्वल होगी लमडा इज इक्वल टू वी ओर एफ वी की वैल्यू है थ्री फोटी एफ की वैल्यू है ट्वेल्व हंड्रेड इसको कैलकुलेटर से किया है, तो पॉइंट टू एट थ्री थ्री मीटर बहुत छोटा है ज़्यादा सेंटीमीटर में कर लेते हैं ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर वेव लेंथ है और इस केस में फर्स्ट ओवर टोन के केस में हमने देखा है कि लेंथ ऑफ पाइप इज इक्वल टू इट्स वेव लेंथ तो वेव लेंथ को हम लोग लेंथ की इक्वल लिखेंगे तो लेंथ ऑफ द पाइप इज ट्वेंटी एट पॉइंट थ्री थ्री सेंटीमीटर Study with me, a learning experience.